Ireland is happiest country in the world. Ireland is one of the good country for the education. ये country है जो आपको PR भी दो साल में दे देती है. Education loan लेके apply कर सकते हैं. Hi students, this is Veena Goyal from Navigators. आज हम बात करेंगे Ireland की. Why you should opt for Ireland? Up to that time, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे यू कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन एंड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन. आयरलैंड इज हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड वाई फॉर अदर रीजन एज वेल कि बिकॉज अभी जो प्रॉब्लम चल रही है वर्ल्ड वाइड काफी सारी कंट्रीज हैं जहाँ बच्चों को या तो बच्चे ऑप्ट नहीं कर रहे या वो कंट्रीज स्ट्रिक्ट किया हुआ है लाइक ऑस्ट्रेलिया डिग्री प्रोसेस इज वेरी स्ट्रिक्ट राइट नाउ. कैनेडा जहाँ पे बच्चों को लग रहा है कि अभी इम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा नहीं है तो देन दे आर फाइंडिंग विच कंट्री इज रियली गुड. सो आयरलैंड इज वन ऑफ द गुड कंट्री फॉर द एजुकेशन. यहाँ की बैचुलर आपको 3 ईयर में मिलेगी मास्टर्स ऑलमोस्ट 1 ईयर की. ये कंट्री है जो आपको PR भी 2 साल में दे देती है. लेकिन कैसे दे सकती है PR 2 साल बिकॉज क्रिटिकल स्किल्स होते हैं हर कंट्री के. अगर आपका ऑक्यूपेशन आपकी स्टडीज क्रिटिकल स्किल्स के अंडर है तो आपकी जो PR है वो 2 ईयर्स के अंदर होती है. उसमें क्या क्या क्रिटिकल स्किल्स में आ जाते हैं आपके IT के रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज सारे क्रिटिकल स्किल्स में आ जाएंगे. हेल्थ केयर के रिलेटेड कोर्सेज क्रिटिकल स्किल्स में आ जाएंगे. बिजनेस के बहुत सारे कोर्सेज एंड इंजीनियरिंग बहुत सारे इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं वो सारे क्रिटिकल स्किल्स में आ जाएंगे. अगर आप पढ़ाई करके स्टडी करके इफ यू वांट टू कम बैक देन इट्स रियली वेरी गुड डिसीजन फॉर यू एंड इफ यू वांट टू स्टे बैक देन यू डू हैव अ चांस टू स्टे देयर. आप अपनी पढ़ाई करके 2 ईयर्स में अपनी परमानेंट रेजिडेंसी ले सकते हैं. बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी कॉलेज डब्लिन है DCU जिसको बोला जाता है एंड नमरूद यूनिवर्सिटी है. मतलब बहुत सारी ऐसी आपको यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी जो कि बहुत अच्छी रैंकिंग है. यूनिवर्सिटी या पेल्वे भी है ट्रिनिटी कॉलेज डब्लिन है तो ऐसे आपके ये जो टॉप रैंकिंग में आ जाएंगे. फिर एवरेज यूनिवर्सिटीज भी आ जाएंगे आपके बजट के हिसाब से भी आ जाएंगे. तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज की अलग अलग रिक्वायरमेंट है. यहाँ पे 2 इनटेक होते हैं विंटर एंड समर्स जिसको हम एक सितंबर में और दूसरा जैन एंड या फेब में स्टार्ट होता है. एडमिशन प्रोसेस क्या है अगर आपको टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है तो आपका प्रोफाइल शुड बी गुड क्योंकि SOP बहुत अच्छा होना चाहिए पॉकेट नहीं होना चाहिए. लेकिन एक अच्छी यूनिवर्सिटी जो आपकी पॉकेट फ्रेंडली हो वो आपको बहुत तंग नहीं करती है. एडमिशन रिक्वायरमेंट में 6 बैंड IELTS अंडर ग्रेड के लिए 6.5 पोस्ट ग्रेड. अब आप कहते हो कि मेरा 6 बैंड नहीं है तो एक अच्छी यूनिवर्सिटी एवरेज यूनिवर्सिटी आपको 5.5 में भी एक्सेप्ट कर लेती है. अगर मान लीजिए आपके 5.5 नहीं है 5 है तो आपको एक फाउंडेशन प्रोग्राम लगा दिया जाता है 5 बैंड में नॉट लेस देन 4.5 आप उसमें भी जा सकते हैं. और आपको जो फंड शो करने हैं वो जस्ट आपने अगर 1 ईयर की फीस पे कर दी है तो 1 ईयर के लिविंग एक्सपेंसेस शो करने हैं वो 6 मंथ ओल्ड होने चाहिए. और अगर वो 6 मंथ ओल्ड नहीं है तो आप एजुकेशन लोन लेके अप्लाई कर सकते हैं. वीज़ा प्रोसेस क्या है कि आपको ये लोन या अपने 6 मंथ ओल्ड स्टेटमेंट के साथ अपने ऑफर लेटर फी रिसीट के साथ वीज़ा अप्लाई करना है. और वीज़ा चांसेस आयरलैंड के बहुत ज़्यादा हैं इससे आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होता किसी भी हिसाब से. अब आप ये देखिए कि यहाँ पे वर्ल्ड की जो 500 टॉप इंडस्ट्रीज में से 480 का जो हेडक्वार्टर है वो आयरलैंड में. कोई भी बिजनेस वो वहीं पे ज़्यादा एग्जिस्ट करता है जहाँ पे टैक्सेशन पॉलिसी अच्छी हो जो बिजनेस के फेवर में हो. आयरलैंड की जो टैक्सेशन पॉलिसीज हैं बहुत अच्छी हैं बिजनेस के फेवर में है. इसीलिए मैक्सिमम बिजनेस है मैक्सिमम इंडस्ट्रीज उन्होंने अपने हेडक्वार्टर वहाँ पे बना रखे हैं. IT के आपको बहुत मिल जाएंगे बिजनेस के इस टाइम जो क्रिटिकल स्किल्स में बिजनेस आ रहा है क्योंकि अगर कंपनीज वहाँ पे है जिनको IT के बंदे चाहिए उनको बिजनेस के भी चाहिए. हॉस्पिटल को हेल्थ स्टाफ भी चाहिए इंजीनियर्स भी चाहिए. इसीलिए आपको
2 years में वो PR दे रहे क्रिटिकल स्किल्स में। मिनिमम सैलरी आपको ऑलमोस्ट 30,000 यूरो मिल रहा है पर एनम। पर मंथ का अगर मैं मिनिमम निकालती हूँ, गवर्नमेंट का जो बैट है वो 1,656.20 यूरो, ये मिनिमम है। लेकिन ऑन एन एवरेज जो सैलरी है वो 50,000 to 60,000 यूरो मिल रही है। एक बच्चा जो पढ़ के वहाँ से निकलता है तो उसको 50,000 to 60,000 यूरो सैलरी मिल रही है। अब जब इतनी सैलरी मिल रही है तो वहाँ जो आपको ग्रीन कार्ड मिलता है वो मिलता है 33,500 यूरो की सैलरी पे, जबकि मिनिमम सैलरी 30,000 के आसपास जा रही है या उससे ऊपर। अमेरिका 31, अगर 1650 को मल्टीप्लाई करते हैं 33,500 में आपको ग्रीन कार्ड दे रहे हैं और 2 साल में क्रिटिकल स्किल्स में आपको भी आ दे रहे हैं। तो जो ऑन एन एवरेज सैलरी आ रही है वो आ रही है 50,000 to 60,000, तो वो उससे बहुत ज्यादा आ रही है। तो दिस मेक्स आयरलैंड वेरी फेवरेबल डेस्टिनेशन, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज वहाँ पे, वर्ल्ड की टॉप कंपनीज वहाँ पे हैं, तो उनको बहुत सारे स्किल शॉर्टेज की वजह से बहुत लोग चाहिए। जो बच्चे वहाँ से पढ़ के निकलते हैं, वेदर इट्स अ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, वो इमीडिएट जॉब में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर दिस, एंड वी विल कम in the next video with more information. Thank you so much.